आज के वीडियो में हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के ईच एंड एवरी मेंबर के पर्सनल लाइफ के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस शो के क्रिएटर से। चलिए आपको रियल लाइफ तारक मेहता से मिलवाता हूँ। यह है गुजरात के तारक झानुभाई मेहता। इनके लिखे हुए गुजराती कॉमिक दुनिया ने ओंधा चश्मा से ही इंस्पायर होके 2008 में आशित कुमार मोदी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो का शुरुआत किया था। शो में जिस राइटर तारक मेहता को दिखाया गया है वो इन्हीं के लाइफ से इंस्पायर्ड है। इसके अलावा भी उनके लिखे हुए कॉमिक टप्पू टपोरी, सालो सुंदरलाल काफी फेमस है। बबीता जी यानी मुनमन दत्ता पीएम के ओसी में काम करने से पहले दलेल मेहंदी के साथ एक म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ चुकी है। इसके अलावा तेलुगु आइटम सॉन्ग में भी बबीता जी दिखी जा चुकी है। फिल्मों की बात करें तो 2005 में कमल हसन की मूवी मुंबई एक्सप्रेस एंड 2006 की मूवी हॉलीडे में भी मुनमुन दत्ता को देखा गया है। अपने अर्ली डेज में बबीता जी ने शाहरुख खान के साथ में भी टीवी एड्स में काम किया है। इन सब के बीच में बबीता जी को फर्स्ट रिकॉग्निशन मिला था 2004 के टीवी सीरियल हम सब बाराती से, जो कि जी टीवी में आता था, और इस शो में जेठालाल यानी दिलीप जोशी भी थे। माधवी भावी यानी सोनालिका जोशी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को ज्वाइन किया था 2008 में ही। इस शो में कास्ट होने से पहले 2005 में उन्होंने श्रेयस तलपरे के साथ एक मराठी मूवी में भी काम किया है। मराठी मूवी में कास्ट होने से पहले उन्होंने लगभग 10 से भी ज्यादा मराठी सीरियल्स में काम किया था। 2001 में ही माधवी भाभी का शादी समीर जोशी के साथ हो गया था। रियल लाइफ में भी उनकी एक बेटी है आरिया जोशी। कि आपको पता है कोमल भाभी का रियल नेम है अंबिका राजनकर। उन्होंने 1995 में ही अरुण राजनकर के साथ शादी कर लिया था। यानी तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो ज्वाइन करने के लगभग 13 साल पहले ही उनका शादी हो गया था। टीवी शो के तरह रियल लाइफ में भी उनका एक बेटा है अथर्व राजनकर। डीएमके उसे ज्वाइन करने से पहले कोमल भाभी ने सुनील शेट्टी के साथ ये तेरा घर या मेरा घर मूवी में काम कर रखा है। इंस्पेक्टर चालू पांडे का रियल नेम है दयाशंकर पांडे। इन्होंने अब तक 50 से भी ज्यादा मूवीज में काम किया है। वे 1993 से ही बॉलीवुड मूवीज में काम करते आ रहे हैं। फिल्मी किरदारों में गंगा जल एंड लगान मूवी में उनका वर्क सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा इनका टीवी में परमा अवतार श्री कृष्ण सीरियल में सुदामा का कैरेक्टर एंड शनिदेव सीरियल में शनिदेव का कैरेक्टर काफी ज्यादा फेमस है। जेठालाल यानी दिलीप जोशी गुजरात से बिलोंग करते हैं। रियल लाइफ में दिलीप जोशी ऑन स्क्रीन अपने बापूजी यानी अमित भट्ट से लगभग 6 साल बड़े हैं। इनके रियल लाइफ वाइफ का नाम है जयामाला जोशी। वैसे एक्टिंग के अलावा दिलीप जोशी काफी पढ़े लिखे भी हैं। इन्होंने अपना कॉलेज डिग्री बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में कंप्लीट किया है। इन्होंने 1989 में ही सलमान खान के साथ मैंने प्यार किया है इस मूवी के साथ फिल्मों में डेब्यू किया था। दया भाभी का रियल नेम है दिशा वकानी। उनके हस्बैंड का नाम है मयूर पाड़िया। इन दोनों का शादी 2015 में ही हो गया था। इनके शो छोड़ने के पीछे का रीजन उनका शादी ही है। 2015 में शादी के बाद उनके बैक टू बैक दो बच्चे हुए। दया भाभी ने 1997 में ही कमसिन द अंतस्त मूवी के साथ फिल्मों में डेब्यू किया था, जिसके बाद उन्होंने लगातार लगभग 10 मूवीज में काम किया है, जिसमें जोधा अकबर एंड मंगल पांडे जैसे मूवीज भी शामिल है। चंपक चाचा का रियल नेम है अमित भट्ट। इनके रियल लाइफ वाइफ का नाम है कृति भट्ट, और रियल लाइफ में चंपक चाचा के दो जुड़वा बच्चे हैं। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन बीकॉम यानी कॉमर्स से कंप्लीट किया है। टीएमकेओसी में काम करने से पहले उन्हें 2003 से 2007 के बीच में खिचड़ी, एफआईआर और सीआईडी जैसे शोज में देखा गया है। सुंदरलाल का रियल नेम है मयूर वकानी। इनके रियल लाइफ वाइफ का नाम है हिमाली वकानी। रियल लाइफ में सुंदरलाल का एक बेटा और एक बेटी है। मयूर वकानी यानी सुंदरलाल और दिशा वकानी यानी दया भाभी रियल लाइफ में भी ब्रदर सिस्टर हैं। टीएमकेओसी में अब्दुल भाई का रियल नेम है शरद सांकले। इनके रियल लाइफ वाइफ का नाम है प्रेमिला सांकले। रियल लाइफ में अब्दुल भाई राजस्थान के एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब्दुल भाई ने ईयर 1983 में ही दूरदेश मूवी से फिल्मों में डेब्यू कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने लगभग 40 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। पत्रकार पोपटलाल का रियल नेम है श्याम पाठक। अपने करियर के स्टार्टिंग में उन्होंने अनुपम खेर के साथ एक चाइनीज मूवी में भी काम किया था 2007 में। वैसे पर्सनल लाइफ की बात करें तो श्याम पाठक ने सीए का डिग्री कंप्लीट किया है एंड इनके रियल लाइफ वाइफ का नाम है रेशमि पाठक। इनका शादी हुआ था 2003 में और इनके 3 बच्चे भी हैं। रीता रिपोर्टर का रियल नेम है प्रिया आहूजा। टीएमकेओसी से पहले प्रिया ने अदालत एंड सीआईडी जैसे शोज में भी काम किया है। रियल लाइफ में प्रिया के हस्बैंड है मालव राजदा। इन दोनों ने 2011 में ही शादी कर लिया था। वैसे पेशे के तौर पे मालव तारक मेहता के उल्टा चश्मा में डायरेक्टर के तौर पे काम करते थे।
बाघा भाई का रियल नेम है तन्मय भिखारी। इनके पिता अरविंद भिखारी गुजरात के एक बहुत बड़े एक्टर थे एंड इनके रियल लाइफ वाइफ का नाम है मिष्टू भिखारी। पीएमकेओसी में काम करने से पहले भी उन्हें सारा भाई वर्सेस सारा भाई एंड एफआईआर जैसे शोज में भी देखा गया है। अर्ली टाइम पे उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एज ए ऑटो ड्राइवर एंड टीचर के तौर पे भी काम किया है। फिर उनके अच्छे एक्टिंग स्किल की वजह से उन्हें शो में बाघा का परमानेंट रोल मिल गया। जैसे जिसकी सोच। कि आपको पता है रियल लाइफ में अय्यर भाई अभी भी अनमेरिड है। इनका रियल नेम है तनुज महासाब्दे एंड ये रियल लाइफ में साउथ इंडिया से नहीं बल्कि महाराष्ट्र के एक मराठी फैमिली से बिलोंग करते हैं। स्टार्टिंग में तनुज भाई टीएमकेओसी में एज ए राइटर काम करते थे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मिस्टर अय्यर का रोल करता हूं, बेसिकली आई एम राइटर आल्सो। बट जब प्रोड्यूसर अय्यर भाई के रोल के लिए एक न्यू फेस ढूंढ रहे थे तब उन्होंने कुछ दिनों के लिए तनुज भाई को कास्ट किया था एंड धीरे धीरे तनुज भाई शो के राइटर से हम सब के अय्यर भाई बन गए। भीड़े भाई का रियल नेम है मंदार चांदवेकर। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना बीटेक डिग्री कंप्लीट किया है एंड इनके रियल लाइफ वाइफ का नाम है स्नेहल चांदवेकर। टीएमकेओसी में ज्वाइन करने से पहले भीड़े भाई दुबई में एज एन इंजीनियर काम करते थे बट अपने एक्टिंग के पैशन के चलते वे जॉब छोड़ के ईयर 2000 में इंडिया वापस चले आए। इंडिया लौट के इन्होंने कुछ साल थिएटर में काम किया एंड कुछ साल स्ट्रगल करते करते फाइनली 2008 में उन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भीड़े भाई का रोल मिल गया। रोशन भाभी का रियल नेम है जेनिफर मिस्त्री। उनके रियल लाइफ हस्बैंड का नाम है मयूर वंशीवाल। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने के अलावा इन्होंने और 4 मूवीज में भी काम किया है जिसमें अजय देवगन के साथ हल्ला बोल एंड अक्षय कुमार के साथ एयर लिफ्ट जैसे मूवीज शामिल हैं। एक्टर तारक मेहता का रियल नेम है सहिलेश लोधा। इनके रियल लाइफ वाइफ का नाम है स्वाति लोधा एंड इनके बेटी का नाम है सोरा लोधा। नाउ सहिलेश लोधा ने टीएमकेओसी शो को इसलिए छोड़ा क्योंकि शो के प्रोड्यूसर आसित कुमार मोदी सहिलेश लोधा के साथ आपत्तिजनक भाषा में बात करते थे। उन प्रोड्यूसर का फोन आया मेरे पास उनका और उन्होंने बड़ी असभ्य भाषा में बात की। मैं ये चीज तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगा। यहाँ तक आसित मोदी ने काफी टाइम तक उनका पेमेंट भी रोक रखा था जिसके अगेंस्ट सहिलेश लोधा ने अगस्त 2023 में कोर्ट केस कर दिया एंड इसके बाद उन्हें अपना ड्यू पेमेंट मिल जाता है। कोर्ट ने कहा कि आप सेटलमेंट करके पैसा दीजिए। उन्होंने कोर्ट में पैसा दे दिया। मैंने उनके किसी अग्रीमेंट पे साइन नहीं किया। 1.05 करोड़ रुपए जी ऐसा। अंजलि मेहता का रियल नेम है नेहा मेहता। नेहा गुजरात से बिलोंग करती है। वैसे टीएमकेओसी में लगभग 80% कास्ट गुजरात से ही है। बाय द वे नेहा मेहता रियल लाइफ में अभी भी अनमेरिड है। इन्होंने अपना एक्टिंग करियर 1998 में दीवा सीरियल से स्टार्ट किया था। इसके अलावा 2008 में इन्होंने ईएमआई मूवी में संजय दत्त के साथ भी काम किया है। डॉक्टर हंसराज हाथी का रियल नेम है कवि कुमार आजाद। इन्होंने टीएमकेओसी को ज्वाइन किया था ईयर 2009 में। इनका फर्स्ट टीवी सीरियल था 1997 में घर जमाई। इसके बाद इन्होंने परेश रावल एंड सलमान खान के साथ भी बॉलीवुड मूवीज में काम किया है। टीवी में इन्होंने चाचा चौधरी, शरारत, हातिम, बेस्ट ऑफ लक निकी जैसे सुपरहिट शोज में भी काम किया है। सही बात है। नट्टू काका का रियल नेम है घनश्याम नायक। इनके रियल लाइफ वाइफ का नाम है निर्मला देवी नायक। 2021 तक जब तक वो टीएमकेओसी शो में थे तब तक वो शो में सबसे ज्यादा सीनियर एंड सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट थे। इन्होंने हिंदी एंड गुजराती मिला के 300 से भी ज्यादा मूवीज में काम किया है। टीवी सीरियल्स में उन्होंने खिचड़ी, शक्तिमान, दिल मिल गया, सारा भाई वर्सेस सारा भाई जैसे सुपरहिट शोज में भी काम किया है। फेमस फिल्मों की बात करें तो इन्होंने अनिल कपूर के साथ बेटा, अजय देवगन एंड आमिर खान के साथ इश्क, अमिताभ बच्चन के साथ खाकी एंड सलमान खान के साथ हम दिल दे चुके सनम जैसे सुपरहिट मूवीज में भी काम किया है। बट आज तक उन्हें कभी भी वो सम्मान नहीं मिला जो वो डिजर्व करते हैं।